नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार। तो गाइस हम आए आज देवसर में माता के मंदिर में, तो दिखाते हैं आपको देवसरवाड़ी के दर्शन करवाते हैं। आज दूसरा नौरता है तो हम आए मंदिर में, तो गाइस आपको दिखाते हैं देवसरवाड़ी माता के दर्शन करवाते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस ये देख सकते हैं देवसरवाड़ी माता का मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर। ये ऊपर का रास्ता है, ये दोनों तरफ से ये देख सकते हैं गाइस। आज दूसरा नौरता है, देवसरवाड़ी माता के दर्शन कराते हैं। देखते रहे, बने रहे वीडियो के साथ। लैपटॉप अपन कौन जाने दिखा रहे आज, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं माँ दुर्गा मंदिर, दर्शन कराते हैं आपको, वीडियो के साथ बने रहे। तो गाइस मेरे सामने देख सकते हैं माता का दरबार, पहाड़ी वाली माता है, देख सकते हैं। ये खंड जोत लगा रखी, देखो अंदर कुछ कमरे में। तो भाई ये देख सकते हैं पहाड़ी वाली माता, ये देख सकते हैं भाई। ये देख सकते हैं इस पहाड़ के नीचे माता का दरबार, ये देख सकते हैं गुफा वाली माता। तो भाई देख सकते हैं माता देश हमारी। तो भाई ये देख सकते हैं माता की, देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करे। ये देख सकते हैं गाइस, ये बजरंगबली महाराज। ये बाबा का है लोकड़िया, लेकिन आप तो गाइस हम नीचे आ रहे हैं और सती माता के भी दर्शन कराएंगे आपको, चलेंगे सती माता के दर्शन कराएंगे आपको। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो पूरा देखें, दिखाते आपको सती माता के दर्शन कराते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं भैरव मंदिर और काली माता मंदिर, देख सकते सोना भाई राणा जी, देख सकते हैं सती माता के दर्शन कराएंगे आपको, वीडियो के साथ बने रहे। तो भाई देख सकते हैं सती माता, और भी दो तीन छोटे मंदिर हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण नारायण मंदिर, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं शंकर भगवान मंदिर, ये शिवालय, ये देख सकते हैं गाइस, दर्शन कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं गाइस, दर्शन कर सकते हैं आप। ये सती माता दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, ना दर्शन कर सकते हैं सती माता दोस्तों।
तो भाई जी देख सकते हैं बजरंग जी महाराज, बालाजी महाराज जी देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों राम दरबार, ये देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं राम दरबार। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें, ताकि हम नए नए व्लॉग लाते रहें। और जय माता की जरूर लिखें, क्योंकि नौ दूसरा नौरता है, जय माता की जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।